राइट बेटे गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटे गुड इवनिंग मैं राम कुमार त्यागी फिर आपका स्वागत करते हैं ई विद्या क्लासेज में बेटे हाँ ई विद्या क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं बेटे धन्यवाद हाँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताएं बेटे बहुत जल्दी से राइट हाँ ये बताएं जल्दी से करके हमें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा यस या नो करके बताएंगे राइट right है हाँ और आपको जी लगा या नहीं लगा आपने फार्मूले याद किए नहीं किए हाँ ये सब बताना है बेटे आपको आज राइट right? चलिए आज हम आपको बेटे सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल पढ़ाएंगे सेकंड ऑर्डर वाला यानी कि दो बार डिफरेंशियल करना सिखाएंगे और एक आपको अवकलन सिखाएंगे अवकलन आपको इम्पोर्टेंट है ही है ना हाँ अवकलन सिखाएंगे बेटे आपको कुछ फंक्शनों का अवकलन और एक सेकंड ऑर्डर का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिखाएंगे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके बताता हूँ बेटे हाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में खूब आता है बेटे देखिए आपको खूब अच्छा लगेगा सवाल हाँ समझ लीजिए जिसको आता होगा बच्चे को वो कुछ जानता है बेटे हाँ राइट आ जाइए इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट कर देता हूं बाद में फिर टाइम नहीं रहता अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस और लास्ट में आपको जब दो एक क्लास रह जाएंगे फिर आपको पूरी बुक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताए जाएंगे आपको x अंडर रूट वन प्लस वाई एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई और वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये हमें सिद्ध करना होता है बेटे क्वेश्चन डी डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की स्क्वायर या इसको ये भी लिख देते हैं माइनस बोर्ड में ये प्रूफ करने के लिए आता है बेटे हाँ माइनस टू बहुत क्वेश्चन है बेटे बहुत इंपोर्टेंट हाँ ध्यान से समझना जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना बेटे हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात है बेटे मैसेज चलाओ बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या देखिए हा गुड इवनिंग करते हैं बेटे आपका हाँ बहुत अच्छी बात है बेटे बहुत अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हो हाँ राइट right? हाँ सब अच्छा लगता है बेटे गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग हाँ गुड इवनिंग बेटे राइट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये ये क्वेश्चन एक तो कई बार आ चुका बोर्ड में और ये करीब तीन क्वेश्चन है आपकी बुक में एक पेज पर किसी भी बुक में ढूंढ लेना वैसे तो सब में मिलेगा आपको हाँ बहुत अच्छा सवाल है बेटे एक्स अंडर रूट वन प्लस और वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स हाँ राइट गुड इवनिंग स्वयं यादव गुड इवनिंग हाँ आ, आ जाइए इधर सवाल पे जरा नमस्ते तो होती रहती है बेटे हाँ राइट संतोष कुमार जी जय हिंद सचिन ठाकुर जी नमस्ते रवि प्रजापति जी नमस्ते सर देखिए आपको जी लग रहा है नहीं लग रहा पढ़ने में डिफरेंशियल आ जाइए बहुत अच्छा सवाल है बेटे इसको देख ले पहले नमस्ते अब इसमें देखो क्या करना होता है जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कई बार आ चुका बेटे आप गिन लेना पेपर में कितनी बार आ चुका पीयूष गुप्ता जी हाँ इस क्वेश्चन की एक इम्पोर्टेंट बात है क्या कि अगर आपने इसकी पहली लाइन ठीक से लिख दी तो समझ लीजिए आपको टीचर ये ना मार्क्स दे के चलेगा आगे क्योंकि इस क्वेश्चन में बस पहली लाइन में छुपा है सब कुछ हाँ बहुत विश्वास जी पहली लाइन में बहुत अच्छा सवाल है ये इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट बात कोई भी मेथड लगा ले नहीं होगा जल्दी से हाँ बस इसमें एक ही इम्पोर्टेंट बात है क्या यहाँ पे आपको माइनस लाना है यानी कि माइनस कैसा आएगा इसको राइट right में ले जाओ यदि आपने ये लाइन सही लिख दी तो समझ लीजिए आपको ये क्वेश्चन आता है और नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं है बस इस क्वेश्चन की ये इंपॉर्टेंट बात है देखिए हमने क्या किया इसमें सबसे पहले आंसू गर्ग नमस्ते नमस्ते जय नमस्ते हाँ, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया राइट साइड साइड को हम इधर ले गए जीरो की तो हमने बीच में इक्वल टू लाए तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप इसके बीच में इक्वल टू ले आते हो तो समझ लीजिए आप ये सवाल कर लेंगे नहीं तो नहीं होने का डिफरेंसल तो बहुत छोटा सा बेटे अब डिफरेंशियल में तो केवल डायरेक्ट आपको अब्दुल हकीम जी बस केवल डायरेक्ट फार्मूला लिखना होता है हाँ असली चीज तो अब कुछ और है देखो इधर क्या सबसे पहले इसमें यहां इस, इस टर्म को इधर ले गए ठीक अब इसका स्क्वायर कर दो बेटे हाँ जानते हो स्क्वायर वर्ग करने पर तो ये हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर तो अंडर रूट तो गायब और यहां पे हो गया माइनस का प्लस और अंडर रूट गायब राइट right? हाँ सचिन ठाकुर जी नमस्ते बेटे बहुत अच्छा सवाल है बेटे जरा ध्यान देना ना इस क्वेश्चन पे हाँ ठीक है फ्लाइंग ऑफिसर अच्छा जी अभिषेक मिश्रा जी अच्छा अच्छा ठीक है बेटे खुश रहो यहाँ जाओ एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई लाइव क्लास से जुड़े होगे देख के हाँ पक्षांतर करने पर संतोष जी ये कह सकते हैं आप, आप हमें लगता है आप इलाहाबाद साइड के हैं पक्षांतर करने पर राइट इस साइड को इधर ले गए हमने पहले और माइनस फिर हमने स्क्वायर किया राइट right? हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स प्लस और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी अब ये वाई स्क्वायर वाली ट्रम तो इधर ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इस ट्रम को इधर ले जाओ बहुत अच्छा सवाल किया है आपके लिए एक और इसके बाद में फिर एक बहुत अच्छा सवाल लिखूंगा ध्यान देते रहना इज इक्वल टू और लिखते भी रहना साथ साथ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो हाँ लावास से हो विश्वास भाई अच्छी बात है बेटा उधर ही बोलते हैं ऐसा आप इसमें जरा लिखते रहना क्वेश्चनों को हाँ लिख रहे हो अच्छी बात है प्रजापति जी अब देखो इसके फैक्टर जानते हो बता चुका कई बार एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अब यहाँ पे आ जाइए इसमें से एक्स वाई कॉमन लो बेटे पहले आप देखो दिखाई दे रहा ना एक्स वाई कॉमन आ रहा है हाँ इसमें से एक्स वाई कॉमन आया हमने ले लिया लेकिन अब एक बात सोचिए यहाँ तो हमारे पास एक्स माइनस वाई है और इधर क्या है वाई माइनस एक्स तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो वो माइनस कॉमन इसलिए लेंगे जिससे हमारे पास ये जो एक्स माइनस वाई है ये कैंसिल हो जाएगा बेटे सेम टर्म हो जाएगी ना दोनों साइड हाँ एक्स वाई और ये एक्स माइनस वाई ओके राइट चलिए जी अब देखो एक्स माइनस वाई आपका कैंसिल हो गया क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना कई बार ये कैंसिल अब क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई अब इस एक्स वाई को इधर ले आओ y की साइड तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अब हम इस x को उधर ले गए बेटे ठीक हाँ समझ में आया नहीं आया सबसे पहले हमने बीच में इक्वल टू लाए माइनस किया उधर लेके गए साइड फिर स्क्वायर किया फिर सेपरेट किया वर्ग किया मल्टीप्लाई की हमने इसमें अब y की ट्रम को हम एक साइड ले आए राइट right? हाँ y कॉमन तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस एक्स ठीक है हाँ अब हम इससे y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए बेटे तो y इज इक्वल टू कितना आया माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ये आपका बेटे y की वैल्यू आई देखिए क्वेश्चन तो आगे इंपॉर्टेंट हाँ बेटे अंजलि शर्मा अच्छी बात है बेटे बहुत अच्छी बात है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले हमने इसको सेपरेट किया है और सेपरेट करने से क्या बेनिफिट हुआ हमें पता है इससे y की वैल्यू आ गई अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे बेटे बस असली चीज अब है आपके पास क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है खूब प्रैक्टिस करना पांच छह बार सवाल की डी वाई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू अब हम इसका डिफरेंट कर रहे हैं डिफ्रेंश का काम देखो कितना छोटा है केवल फैक्टर की है नाइन्थ क्लास का काम था ना हाँ बेटे अंजलि शर्मा गुड माइनस को तो देखो अलग रखो अब हमें क्या करना है इसमें डिवाइड रूल लगेगा अपोन वाली गिनतियाँ जो हैं उनका तो होल स्क्वायर ये लिख दिया ये ऐसा का ऐसा ही वन प्लस एक्स इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल एक्स का एक माइनस आता है एक्स इंटू हर का डिफरेंशियल कितना आया जीरो प्लस वन क्यों चूंकि पता है आपको वन का डिफरेंशियल कितना होता है जीरो एक्स का कितना होता है वन ये आपको फार्मूले लिखवा रखे ना हाँ लिखवा रखा बेटे कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है जीरो और एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है वन ये जो फार्मूले होते हैं बेटे इनको लिखते रहा करो साथ साथ जब आप क्वेश्चन के दोबारा लिखोगे बराबर में हाँ रिपीट करो प्लीज सर अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन है बार बार इसी चीज में लगे देंगे मनीष कुमार जी इतना तो आपको अच्छा समझाया सवाल अभी दोबारा बताऊंगा बेटे कोई बात नहीं आपकी बात को हम गिराएंगे नहीं पर आप हमारी बात को भी ध्यान रखना जरा क्वेश्चनों को घर पे बैठ के लिखा करो हाँ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीप्लाई करो वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो तो छोड़ दीजिए माइनस एक्स आ गया एक्स एक्स कैंसिल आया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर या माइनस वन प्लस एक्स पावर कितनी माइनस टू आंसर आ गया आपका क्वेश्चन का आया समझ में नहीं आया ठीक है हाँ इसमें क्या करना होता है बेटे कुछ ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना होता है बेटे सवाल में चलो फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं जब आप कह रहे हो देख लेते हैं बेटे चलो जी आ जाइए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में इक्वल टू लाए यहाँ पे सेपरेट किया इसको इधर ले गए टर्म को फिर हमने स्क्वायर किया स्क्वायर करने के बाद हमने इसमें मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर की टर्म एक तरफ की और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर वाई को इधर ले गए राइट साइड में ठीक है हाँ फिर हमने क्या किया इसके फैक्टर किए फैक्टर करके यहाँ से हमने एक्स वाई को कॉमन लिया एक्स वाई कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया जिससे कि एक्स वाई कैंसिल हो जाए राइट right? एक्स वाई कैंसिल करने के बाद हम वाई वाली टर्म को इधर ले आए और इस एक्स को सिंगल को इधर ले गए राइट साइड में इसमें से हमने वाई कॉमन लिया राइट वाई कॉमन लेके के वाई की वैल्यू फाइंड की फिर हमने इसमें डिवाइड रूल लगाया बटे अंश बटे हर वाला ठीक अपोन वाली संख्या का होली स्क्वायर ये अपोन वाली संख्या इंटू वन का ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाली गिनती इंटू अपोन वाली संख्या का डिफरेंशियल ठीक ये आपको फार्मूले बताई दिए थे एक्स से एक्स कैंसिल हुआ वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा इसको ऐसा लिख सकते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटे ठीक है हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया राइट right? हाँ आ जाइए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देते हैं फिर भूल जाएंगे बेटे हाँ याद रहेगा हमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और बहुत इसे और कर लीजिए देखिए मानेंगे अभी आप इम्पोर्टेंट है या नहीं है बताते नहीं है वैसे जल्दी से लोग साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर आपको डबल डिफरेंशियल का क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूंगा आपको हाँ और लास्ट में भी आपको फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे ऋषभ पंत अच्छी बात है ऋषभ पंत अच्छा जी बड़े अच्छी बात है बेटे बहुत अच्छा लगता है विपिन कुमार जी नमस्ते गुड इवनिंग मनीष कुमार थैंक यू बेटे अंजलि शर्मा नमस्ते बेटे आ जाइए इस क्वेश्चन पे देखिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये बताएं इंपॉर्टेंट है ना हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन है बेटे बस बुक में आज तक दो ही क्वेश्चन है ये तो साइन की टर्म में और एक होता है कोर्स की टर्म में किसके टर्म में पियूष गुप्ता जी नेटवर्क नहीं आया आ जाएगा बेटे नोट कर रहे हो विश्वास जी अच्छी बात है बेटे देखिए जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उसी को तो मिलेगा और किसको मिलेगा ठीक है हाँ अब आ जाओ ये दो क्वेश्चन है बेटे एक कोस वाला एक साइन वाला कोस वाला खुद कर लेना साइन वाले को मैं बता रहा हूँ बस थोड़ी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं हम वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन ले रहे हैं बेटे तो इतने कम टाइम में इंपॉर्टेंट बात बताना छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे बेटे हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट है ना सर हाँ आ जाइए देखिए इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है आप इससे एक्स की वैल्यू फाइंड करो एक्स इज इक्वल टू कितना आया साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई ध्यान देना ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम विपिन कुमार जी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं लेकिन ये और तरकीब से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सिंपल मेथड से वैसे ज्यादातर क्या करते हैं लोग इसका यहीं से डिफरेंशियल कर लेते हैं डिफरेंशियल करके उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं डीवाई अपॉन डी एक्स है लेकिन ये बिल्कुल आसान मेथड बता रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ी सी देर के लिए आप ये सोच लीजिए कि हम जो डिफ्रेंसीट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई कर दीजिए आप एक्स के सापेक्स एक डिफ्रेंश मत करो आप इसमें ठीक है गुरुदेव हाँ x के सापेक्ष नहीं किसके सापेक्ष y के सापेक्ष अब इस बात का मतलब क्या है ये सोचिए जो जो x है ये तो y है और ये y है वो x है ये सोचो आप इसमें थोड़ी देर क्या बताया x को तो क्या मानेंगे y और y को क्या मानेंगे संतोष कुमार जी x मानेंगे कुछ देर के लिए बस देखो आपको सवाल का आंसर निकलेगा x dx अपॉन इसमें dy फाइंड करेंगे बस और डिवाइड रूल लगा दीजिए आप इसमें बहुत आसान मेथड है नहीं तो उसमें बहुत खतरा होता है हां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे हां देखिये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन वाली संख्या का होल स्क्वायर लिखते हैं ना हाँ ये ऐसा का ऐसा ही साइन ए प्लस वाई इंटू डिफरेंशियल किसका इसको जल्दी मत करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तसल्ली से करेंगे बेटे साइन वाई माइनस अब साइन वाई ऐसा का ऐसा ही इन अपॉन वाली जो टर्म है आपकी उसका डिफरेंस है साइन ए प्लस वाई राइट हमने क्या किया इस क्वेश्चन में बेटे बताओ क्या किया इसको हमने एक्स के बजाय किसके सापेक्ष किया इसको प्रणाम गुरुदेव विमल शर्मा जी हाँ बड़ी अच्छी बात है बेटे प्रणाम हमने इसको किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया वाई के सापेक्ष एक्स को हमने वाई माना मन मन में और वाई को एक्स माना है हम इसका डिफ्रेंशिएट जो कर रहे हैं रिस्पेक्ट क्या कर रहे हैं वाई के साथ एक्स कर रहे हैं बेटे ठीक है हाँ आ जाइए राइट चलिए थोड़ी सी देर के लिए और इधर आ जाओ जरा अभी बस अब इसका डिफरेंशियल लिख दीजिए हो गया आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ध्यान देना बस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई देखिए क्वेश्चन कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो इंदु गौतम जी कोई भी ये तो सभी के लिए है बेटे अभिषेक मिश्रा जी नमस्ते बेटे बहुत अच्छा लगता है हाँ अना सहमत जी अच्छी बात है बेटे इंदु गौतम सावित्री बेटे विमल शर्मा अच्छी बात है खूब मेहनत करें हम तो यही चाहते हैं हाँ हम तो यही चाह रहे हैं बेटे ठीक है आपकी इच्छा है बेटे लाइक करें ना करें आपकी मर्जी है ऐसा कुछ नहीं है हमारा काम आपको एक अच्छी बात बताना है साइन ए प्लस वाई इन टू अब देखो यहाँ साइन वाई का कोस वाई लेकिन इसमें यह गलती मत कर देना कि y वाले में डी एक्स लिखते हैं लेकिन यहाँ वाई नहीं है ये हमने इसको एक्स मान रखा है साइन वाई बहुत पेपरों में क्वेश्चन आता है बहुत में हाँ कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है बेटे साइन का कोस ए प्लस वाई अब ए का तो डिफरेंशियल जीरो वाई का वन चूंकि वाई को हमने एक्स माना आ जाइए, आगे चलिए अब जरा सोच लीजिए ऊपर क्या बना एक्स वाई इक्वल टू। सोचो ऊपर क्या बना? नीचे तो यही रहेगा बेटे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अब जरा नाइन्थेंथ में पहुंच जाओ साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस, साइन राइट आप फार्मूला लिख दीजिए किसका बना साइन ए माइनस बी का बेटे ए प्लस वाई माइनस वाई साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठे वाई से वाई कैंसिल हो गया तो डीवाई डीएक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन एपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ये आपका वैल्यू आई अब इसको जरा उल्टा कर दीजिए चेंज कर दो बेटे इसको बदल दीजिए क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए आपका आंसर आ गया बेटे ये प्रूफ करने के लिए आता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों यस या नो करके बताएं बेटे हाँ साइन ए माइनस भी नहीं बेटे हाँ साइन ए माइनस भी अच्छी बात है बेटे साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी गुड इवनिंग बेटे गुड इवनिंग विपिन कुमार जी अच्छी बात है बेटे फार्मूला याद तो होना ही चाहिए देखो आपको है ना हाँ अब आ जाइए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल लेके चलते हैं हाँ सेकेंड डिग्री का यानी कि दो बार डिफरेंशियल अब बाकी इंपॉर्टेंट बात अभी बताएंगे क्वेश्चन इसी तरह के देखिए एक बात होती है क्या जब हम y का डिफरेंशियल करते हैं बेटे तो y का dy अपॉन डी क्या लिखते हैं dy अपॉन डी लेकिन यदि हम इसको हम ये भी लिख सकते हैं y डैस और इसको हम ये भी लिख सकते हैं y1 वन हाँ ये सब डिफरेंशियल है बेटे y का अवकलन होता है ये भी ये भी और ये भी y1 लिख दीजिए y डैश लिख दीजिए या dy वाई अपॉन डीएक्स लिख दीजिए मान लीजिए आपको डबल डिफरेंशियल लिखना है तो यहाँ पे हम y2 लिख सकते हैं ये y डबल डैश लिख सकते हैं और ये डी टू वाई यहाँ ध्यान देना अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ओके और इसको हम ये भी लिखते हैं एफ एक्स का डैश और ये होता है एफ डबल डैश ये सब डबल डिफरेंशियल भी और सिंगल डिफरेंशियल है ये ध्यान देना कोई सा भी आ सकता है आपके सिलेबस में मनीष कुमार जी कुछ भी आ सकता है बेटे मजा आ गया अच्छी बात है बेटे हम तो यही चाहते हैं बेटे आपको समझ में आना चाहिए जी सर हाँ देखिए y का डिफरेंशियल dy बटे डी एक्स या वाई डैस या वाई वन होता है या एफ डैस एक्स होता है ये सब फर्स्ट डिफरेंशियल है और ये सब क्या है सेकेंड डिफरेंशियल है अब हम एक दो क्वेश्चन सेकेंड डिफरेंशियल का करेंगे पहले डबल डिफरेंशिएट करने वाला और इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट देखिए अब बहुत अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन करने में कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है हाँ जब करोगे जब पता चलेगा बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल डिफरेंशियल का क्वेश्चन करते हैं एक बेटे लो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लूं एक हाँ बहुत अच्छा सवाल करेंगे बेटे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ए आ गया आपके पास बस नो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यस या नो करके बताएं बेटे e की पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन तो हमें ये प्रूफ करना होता है बेटे इसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर देखो इंपॉर्टेंट है या नहीं है यस या नो करके बताएं। जय गुरुदेव हाँ इंपॉर्टेंट है ना इसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे आपको एक हाँ इससे भी इंपॉर्टेंट बताएंगे देखो ये इंपॉर्टेंट यस या नो करे जय गुरुदेव तो हो गई। क्वेश्चन पे आ जाओ बहुत अच्छा सवाल है बेटे अभी कुछ दिन से पेपरों में आना शुरू हुआ है पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन है हमारे पास राइट right. इसका डिफरेंशियल करो बेटे डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड ये हमारे पास फर्स्ट है ये सेकेंड है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल कितना होगा वन पता है आपको x का एक वन का जीरो प्लस एक्स प्लस वन ऐसा का ऐसा ही इंटू डी ई की पावर वाई का e की पावर वाई इन वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना जीरो या हम लिख सकते हैं ई की पावर वाई प्लस बहुत अच्छा सवाल है बेटे समझना ध्यान से हाँ ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो सिंपल किया है बेटे हमने ये भी हाँ अब इसमें देखो चेंज करेंगे थोड़ा सा क्या ध्यान देना ये देखो हमारे पास कितना है ये रहा कितनी वैल्यू है इसकी हमारे पास वन तो यहाँ लिख दीजिए e की पावर y प्लस ये तो वन हो गया वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना जीरो तो इस e की पावर y को इधर ले जाओ इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का और बहुत अच्छा सवाल है बेटे माइनस e की पावर y हम इसको उधर ले गए बेटे देखो सबसे पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड का सूत्र लगाया इंपॉर्टेंट है ना कश्यप जी नमस्ते बेटे राम राम फर्स्ट इंटू सेकेंड फर्स्ट सेकेंड का प्लस डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो फिर हमने इसको सोल्व किया बेटे सोल्व करने के बाद इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहां पे ध्यान देना आपको क्या पता है हाँ इक्वेशन जो हमारे पास ये सबसे फर्स्ट है इससे हमने वैल्यू पुट कर दी e की पावर y और x प्लस वन की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई ऊपर से इसके प्लेस पे वन पुट कर दिया तो हमारे पास dy वाई बटे डी ही तो बचेगा राइट अब e की पावर y को हम उधर ले गए अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बस दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा जनाब बोलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस तो ऐसे ही रहा e की पावर y का e की पावर y इन टू कितना डीवाई अपॉन डीएक्स ठीक एक e तो e वैल्यू कितनी है आपके पास यहां से आ जाओ यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए बेटे उठा के ई e की पावर वाई का माइनस ई e की पावर वाई की वैल्यू पुट कर दो डी वाई अपॉन डीएक्स है रखो वैल्यू पुट करो डी टू वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है ये देखो इसकी वैल्यू हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यस या नो इम्पोर्टेंट नहीं है अच्छा जी इतना तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया आपको हाँ इंपॉर्टेंट है बेटे डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एक और इंपॉर्टेंट बताएंगे अभी इसके बाद ठीक हाँ एक और क्वेश्चन बताते हैं बेटे इंपॉर्टेंट आ जाइए एक क्वेश्चन बेटे ऐसे आते हैं आपने देखा होगा अनसोल्ड पेपर में क्या गुरुदेव नमस्ते हाँ नहीं बेटे हम पहले इलाहाबाद नहीं रहते थे हम तो मेरठ में ही रहते हैं गुरु जी हाँ हम तो इलाहाबाद नहीं हम तो मेरठ ही रहते हैं बेटे यहाँ आ जाओ देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे सबसे पहले अब आपको फिर एक और बता देते हैं ये आता रहता है बेटे क्वेश्चन क्या वाइव इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस अप टू इंफिनिटी तक बहुत अच्छा सवाल है ये हाँ शिवम यादव बहुत अच्छा y की 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 वाईज एंड सोन आता है देखिए ऐसे बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको डिफरेंशियल का जब लास्ट चैप्टर करूंगा तब उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन के करीब आपको इंपॉर्टेंट एच डब्लू दे देंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सचिन ठाकुर उनको घर पर प्रैक्टिस करना अच्छा जी हाँ ठीक है मौर्य जी नमस्ते मनीष कुमार जी अब आ जाओ जरा इसमें ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटे एक तो होते हैं ये अंडर रूट वाले और एक होते हैं ये पावर वाले पावर में प्लस होते चले जाते हैं ठीक है मनीष कुमार हस्तनापुर से है बेटे अच्छा जी बहुत अच्छी बात है मैं नहीं बताऊंगा मैं कहा से हूं पर तुम्हारे पास ही y इज इक्वल टू देखो यहाँ पे आया e की पावर x प्लस अब ये देखो यहाँ पे ये ये जो टर्म है बेटा ये हमारे पास y है इसका मतलब क्या हुआ मान लीजिए हमारे पास वाईज इक्वल टू ई की पावर x है प्लस e की पावर x है प्लस e की पावर x है देखो तीन टर्म लिख दी तब भी ये y है यदि हम इसमें एक और पावर लिख दें प्लस e की पावर x तो तब भी तो ये y रहेगा क्या फर्क पड़ रहा है बेटा इसमें समझ गए नहीं समझे तो क्या है एक टर्म के बाद भी अगर हम ना लिखें, तो ये समझ लो y है। इस को छुपा लो तब भी तो ये y y दिख रहा e की पावर x प्लस e की पावर x, तो इसका मतलब ये अनंत पावर है अनंत का मतलब जानते हो समुद्र है ठीक है हाँ फिरोजपुर से अच्छा जी बड़ी अच्छी बात है बेटे अब यहां आ जाओ तो हमने इस टर्म को छोड़ने के बाद ये समझो यहाँ पे प्लस वाई लिख दिया बस इतना इंपॉर्टेंट है एक टर्म को छुपाओ बाकी के स्थान पे वाई लिखो और डिफरेंशिएट कर दो अब इसमें देखो यहाँ दो बातें हैं एक तो पावर आ रही है आप इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो और लोग लेके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत अच्छा सवाल है बेटे टेकिंग लोग बोथ साइड लोग लेने पर बेटे लोग लेने पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ मैं तो देखो रोज यही सोचता हूँ कि आपको एक अच्छी से अच्छी बात बताई जाए जिससे आप कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और कोई भी बच्चा हो कहीं से भी जुड़ा हो किसी भी स्कूल का हो आप बस ट्वेल्थ के होने चाहिए समझ लीजिए आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और जो पढ़ेगा बेटे घर पे उसके मार्क्स तो अच्छे आते ही हैं एक्स प्लस वाई इन टू ई की लोगी पावर तो पहले आ गई हमारे पास ठीक है हर सब्जेक्ट को कम से कम एक घंटा या दो घंटे पढ़ो ठीक है अंसारी जी हाँ हर सब्जेक्ट सचिन ठाकुर जी हर चैप्टर को हर चैप्टर कहता हूं मैं आपको हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं ना आते भी हैं बहुत अच्छी बात बेटे बहुत अच्छी बात यही तो चाहते हैं सबका क्वेश्चन अच्छे हैं अच्छी बात है आपको लोगी की वैल्यू तो डिफरेंशियल करेंगे बेटे हाँ अब देखो इसका डिफरेंसल लोग वाई का बता रखा आपको लोग वाई का डिफरेंशियल याद कर लीजिए ये लोग y का डिफरेंशियल याद कर ले वन अपॉन वाई इंटू वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स ये याद कर बेटा जो भी इंपॉर्टेंट बात आए उसको याद करते ना विपिन कुमार जी वन अपॉन वाई इंटू वाई का डी वाई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स का क्या होता है वन वाई का क्या होता है डी वाई अपॉन अब dy अपॉन डी एक्स की ट्रम एक तरफ कर लीजिए सेपरेट ये तो हुआ वन अपॉन वाई माइनस कितना हुआ is equal to कितना हो गया वन dy अपॉन डी एक्स को इस साइड लिया ये बस सेपरेट कर लिया हमने ये अब सोल्व करिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल इन टू ले लो पहले डायरेक्ट ना लिख सकते हो तो वन माइनस वाई बहुत अच्छा सवाल है बेटे अनसोल्व पेपर में आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के y तो ऊपर पहुंच गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से और वन माइनस वाई ऑपन में गया बेटे। ये आपका आंसर आ गया बेटे। राइट एक और लेते हैं पावर वाला एक पावर वाला करते हैं बेटे कैसे जैसे अंडर रूट में आती है बेटा ये तो पावर वाला था सॉरी अब अंडर रूट वाला क्वेश्चन करेंगे क्या जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स देखना आपके बुक में है ये क्वेश्चन और कोई भी बुक खरीदे हर एक बुक में है हाँ ये अंडर रूट में आता है बेटे क्वेश्चन अंडर रूट अंडर रूट आते रहते हैं अच्छा सवाल है विमल शर्मा जी हाँ देसी ब्राह्मण जी देखो अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन अंडर रूट साइन है सी बहुत सारी टर्म चलती रहती है पुष्पराज जी बहुत देर में आयो नमस्ते आपने तीन लिखी है मेरी तरफ से चार रामकुमार त्यागी जी की ओर से आपको चार नमस्ते हाँ साइनेक्स प्लस अब क्वेश्चन को समझ लो जरा इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे भी हमने यही काम किया है एक टर्म को छुपाया बाकी के प्लेस पर क्या लिख दिया वाई लिख दिया देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमने वो पहला क्वेश्चन किया था दो क्वेश्चन बताया आपको ऐसे और भी कर लेना बेटे हाँ मोर्य जी वो तो था पावर वाला तो हमने उसमें क्या किया था लोग लिया था यह है अंडर रूट वाला तो कोई भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए उसमें स्क्वायर करते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए चार पांच क्वेश्चन कुल है बेटा इनकी प्रैक्टिस कर ले बस हाँ. के कर लीजिए बुक में कहीं भी मिल जाएंगे ये स्क्वायर करते हैं बेटे हम क्वेश्चन में स्क्वायर करो वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई ये कर दिया स्क्वायर तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और जो पावर वाला क्वेश्चन होता है उसमें क्या करेंगे अच्छा जी शुरू से पढ़ो बेटे ध्यान से हाँ कोई ऐसी बात नहीं आएगा बेटे समझ में आएगा हाँ अच्छा आता है बेटे समझ में जब हम शुरू से पढ़ते हैं देखिए डिफ्रेंशिएट स्क्वायर करा हमने सबसे पहले हमने क्या किया पहली टर्म को छोड़ दिया दूसरी टर्म के प्लेस पे y लिखा y लिख के यहाँ पे हमने स्क्वायर किया स्क्वायर करके अब डिफरेंशिएट करना है वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल बता रखा है टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कितना होता है cos एक्स और वाई का कितना होता है dy अपॉन डी एक्स अब आपको सब डिफरेंशियल तो बता रखे हैं वाई का आपको बता दिया सबसे फर्स्ट डे साइन एक्स का आपको बता दिया cos एक्स होता है वाई स्क्वायर का आपको एक दिन लिखा था यहाँ पे अब जब आप साथ के साथ नहीं लिखोगे तो आपको क्या याद रहेगा वाई स्क्वायर का तो टू वाई और y का dy वाई अपॉन और y का डिफरेंशियल कितना बताया था आपको dy अपॉन और साइन का कितना बताया था आपको सबसे फर्स्ट डे आपको सब फार्मूले लिखवा रखे हैं बेटे हाँ में उसको आता है जो रेगुलर पढ़ते हैं मेहनत करते हैं बेटे राइट अब हमें इससे dy अपॉन की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे हाँ समझ में आएगा बेटे जब आप मेहनत करेंगे तो डीवाई अपॉन डी एक्स देखो टू तो हमारे पास है अब देखो यहाँ पे क्या है dy वाई पॉन्टी एक्स इसको इधर ले आओ ये कॉमन ले लिया हमने तो क्या आया यहाँ पे वन इज इक्वल टू कोस एक्स कम से कम पांच बार बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन पांच बार अनसोल्व पेपर में ढूंढ लीजिए जो भी क्वेश्चन कराऊँ उस क्वेश्चन को आप टेन ईयर का लेके आप अपनी बुक और उसमें ढूंढ लीजिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस कितनी है और कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया नोट करते रहो बेटे जो नोट करेगा उसी को फायदा होगा पक्की बात है और ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका बोर्ड में हमें पता है ठीक है कश्यप जी अब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं एक हाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं बेटे आपके लिए बहुत अच्छा सवाल एक आपको एच डब्ल्यू दे दूं जरा पहले फिर याद नहीं रहता ये आपके लिए एच डब्ल्यू है बेटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए वाई इज इक्वल टू बहुत अच्छा सवाल है बेटे कोट इनवर्स लिख के बताना यस yes या नो no, इंपोर्टेंट है या नहीं है कोट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स बहुत अच्छा सवाल प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है बेटे डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है आपको ये आपका एच डब्ल्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट right? हाँ फिर मैं भूल जाऊंगा आप इसको देख लेना बेटे इसलिए आपको पहले लिखवा दिया अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे सेकेंड ऑर्डर वाले क्वेश्चन जो होते हैं उन पे आते हैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ मुझे याद आ रहा है बहुत अच्छा सवाल है वो हाँ क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्या अच्छा सवाल बताएंगे आपको हाँ जब भी कराएंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे बेटे वाई इज इक्वल टू थ्री कोस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लोग एक्स और प्रूफ करना है बेटे ये सवाल हमें एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इजिक्वल टू जीरो देखिए ये आपके बुक में पाँच छः क्वेश्चन होंगे किसी भी बुक को खरीद लें उसमें ही मिल जाएंगे बेटे आपको ये हाँ पाँच छः क्वेश्चन है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये इतना भी है बेटे अकेला केवल ये नहीं है और एक ये भी है ये प्रूफ करने के लिए आते हैं बेटे बहुत सारे सवाल और एक आपको इसी क्वेश्चन में ये मिलेगा बेटे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इसी में ही मिलेगा आपको ये हाँ और एक वाईक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स मिलेगा ये भी इसी में ही है कई क्वेश्चन है बेटे ये इम्पोर्टेंट इनको जरा कर ठीक है हाँ अच्छी बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिखा है आ जाइए क्वेश्चन पे जरा इसमें अभी आपको बताया था देखो वाई वन आ रहा है वाई वन आ रहा है ना वाई टू आ रहा है तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन लिया आर के कश्यप जी जो भी क्वेश्चन लिखा है बेटे बहुत है आपके लिए लिख रहे हैं तो इसलिए आप इनको लिखें जरूर बेटे ठीक है हाँ, मेहनत करें बेटे थोड़ी सी मेहनत करोगे तभी बेनिफिट होता है राइट आ जाइए देखिए वाई का डिफरेंशियल आपको बताया था अभी वाई वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और जो क्वेश्चन रह जाएंगे बाद में आपको मौर्य जी बताएंगे बेटे जो लास्ट के दिन लिख देंगे पुष्पराज भाई हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे बेटे ठीक है हाँ बेटे बाकी क्लास का नहीं पता हमें हमें अपनी बुक क्लास का पता है वाई का डिफरेंशियल कितना वाई वन इज इक्वल टू थ्री कॉन्स्टेंट कोस का कितना होता है माइनस साइन लोग एक्स ध्यान देना क्वेश्चन पे इंटू लोग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस फोर साइन साइन का कितना होता है साइन कोस एक्स होता है हाँ का कितना होता है? होता है देखो पहले तो कोस का किया हमने साइन फिर लोग का किया डबल फंक्शन है ना इसमें हाँ और अब ऐसे यहाँ जाइए साइन है तो साइन का कितना होता है कोस लोग एक्स इंटू लोग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स कोस एक्स का कितना वन अपॉन एक्स राइट हाँ यहां पे आ गया हमारे पास log x का cos x का क्या हमने log x का 1 x राइट देखिए फिर दोबारा सुन लीजिए 3 कांस्टेंट cos का sin log x का एक बटे x 4 कांस्टेंट sin का cos log का 1 x चूंकि बेटे हमारे पास डबल फंक्शन है यहाँ पे तो पहले तो इसको x की तरह यूज करते हैं और फिर देखते हैं यहां x है, क्या है यहाँ है log x तो log x का डिफरेंशियल कर दिया ठीक है हाँ आ जाइए अब हम इसको सोल्व कर लो जरा पहले क्या आया वाई वन इज इक्वल टू माइनस का थ्री साइन लोग एक्स अपोन एक्स है हमारे पास प्लस फोर कोस लोग एक्स अपोन कितना एक्स राइट अब ये जो अपोन एक्स है इस एक्स को यहां लाओ यानी कि इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई तो यहां पे क्या है एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस के थ्री साइन लोग एक्स प्लस फोर कोस लोग एक्स क्योंकि एक्स तो, एक तो कैंसिल हो गया जब हमने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ तो x आ गया वाई वन यहाँ पे x लिखेंगे कट गया यहाँ पे x लिखेंगे कैंसिल हो गया राइट हाँ अब इसमें देखो यहाँ ये तो है फर्स्ट और ये है सेकेंड ये फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड डबल डिफरेंशियल कर रहे हैं हम इसमें तो लिखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का वाई वन का क्या बताया था अभी वाई वन का क्या बताया था आपको डिफरेंशियल कश्यप जी हाँ यस सर इंपॉर्टेंट है अच्छा सवाल है ना हो गया अच्छी बात है बेटे बहुत अच्छी बात यही तो चाहते हैं पुष्पराज जी अच्छा सवाल है बेटे फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का एक्स का वन इज इक्वल टू माइनस थ्री साइन का कितना होता है कोस लोग एक्स इंटू लोग एक्स का वन अपोन एक्स कोस एक्स का कितना वन अपोन एक्स राइट हाँ प्लस लोग एक्स का वन अपोन एक्स हो गया सुन लीजिए माइनस थ्री साइन का कोस लोग एक्स का वन अपोन एक्स प्लस का फोर अब कोस का आ जाओ माइनस साइन लोग एक्स और लोग एक्स का कितना होता है वन अपोन एक्स होता है सही है हाँ एक्स फर्स्ट वाई वन का वाई टू प्लस वाई वन एक्स का वन माइनस के थ्री आ गया साइन का कोस लोग एक्स का वन अपोन एक्स प्लस का फोर कोस का माइनस साइन और लोग का वन अपन एक्स अब इसमें देखो दोबारा से हमारे पास क्या आया बेटे सोचो वन आ रहा है ना इधर जब भी कभी आप ऐसा क्वेश्चन करो समझ रहे हो पुष्पराज जी जय गुरुदेव बहुत मजा आता है अच्छी बात है बेटे हाँ बहुत अच्छी बात जो समझते हैं बेटे उन्हें अच्छा ही लगता है हाँ जो मेहनत करते हैं उनको हर चीज आसान लगती है बेटे हाँ मेहनत करोगे तो अच्छी बात है वन अपोन में क्या है बेटे आर के कश्यप एक्स है ना तो जब भी कभी आप ऐसा क्वेश्चन करो और ऐसे पांच क्वेश्चन है आपके बुक में कितने क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन है आप इन फाइव क्वेश्चनों को ढूंढना और मंडे को देखते हैं आपको फिर बताएंगे एक आध क्वेश्चन इसी टाइप का तो जब आप मंडे को इन क्वेश्चनों को करें या कल संडे है जब देखेंगे तो जो भी में राम आए इन क्वेश्चनों में जो भी उसी को इधर लाके मल्टीप्लाई करने के बाद डिफ्रेंश करना है और आपका आंसर यहाँ पे अपने आप बचेगा ये आंसर अपने आप आ जाएगा सोचना सबसे पहले y का डिफरेंशियल y1 y1 का डिफरेंशियल करके जो भी अपॉन में टर्म आ जाए उसको यहां लाओ उसके बाद फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाओ इधर डिफ्रेंस करिए जो भी टर्म फिर दोबारा बचे उसको फिर इधर ले आओ सोल्व करने के बाद समझ लीजिए आपका आंसर आ गया अब इसमें फिर मल्टीप्लाई करिए x है चूंकि अपॉन में क्या आ रहा हमारा क्या आ रहा हमारा x आ रहा है बेटे तो x से मल्टीप्लाई करो यहां पे क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन राइट माइनस थ्री कोस लॉग एक्स माइनस के फोर साइन और लोग एक्स राइट हाँ हमने क्या किया फिर इसमें दोबारा से किससे मल्टीप्लाई कर दी एक्स से मल्टीप्लाई कर दी ठीक है हाँ अब आ जाइए क्या बना आपके पास क्वेश्चन को सोचो जरा ध्यान से एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस कॉमन थ्री कोस लोग एक्स राइट और माइनस तो कॉमन ले लिया हमने फोर साइन लोग एक्स अब जरा अपनी इक्वेशन नंबर एक जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है उसको तो देख लो क्या है यही तो दे रखा है जो हमारे पास ब्रैकेट में बचा है ये वाई है हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाई टू एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस ये वाई है आपके पास वाई को इधर ले आओ ये आपके पास पांच क्वेश्चन है बेटे बुकों में कहीं भी ढूंढ लेना हर बुक में मिलेंगे किसी भी बुक को देख सकते हो और पांचों का मेथड बेटे एक सा है और इन पांच में से एक क्वेश्चन चार नंबर का आता रहता है हाँ पांच में से एक क्वेश्चन जरूर आता है ठीक है गुड इवनिंग फिर क्वेश्चन देखते हैं दोबारे से फिर करेंगे बेटे बड़े क्वेश्चन और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और जो क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए उसे कर लेना ज़रा हाँ जरूर करना बेटे ठीक है आर के कश्यप जी जय हिंद गुड इवनिंग नमस्ते फार्मूले याद कर लिए कर लिया करो जरा हाँ ऋषभ पंत जी नमस्ते ठीक है अच्छा चैप्टर नौ का सवाल है अच्छी बात है